नमस्कार, स्वागत है आपका रन समाचार में और मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी। जब नए एई या जेई विभाग में नौकरी ज्वाइन करते हैं तो वे अधिकारियों को अपने संरक्षक की तरह मानते हैं और यहां का एक अधिकारी यानी कि उत्तराखंड के एक अधिकारी नई महिला जेई जो उस समय बनाई गई थी उनका यौन शोषण करते हैं और इन महाशय ने महिला जेई को इस तरीके से उनके द्वारा परेशान किया जाता है कि उन्होंने सीएमडी को यौन शोषण करने के कारण अपनी लिखित शिकायत तक करनी पड़ी और वहीं सीएमडी के अधिकारी को चेतावनी भी जारी की गई, वे जांच के आदेश भी दिए गए। लेकिन जिस तरीके से ढाक के तीन पात की कहावत हम सुनते हैं, पैसे के बल पर अधिकारी जांच में गोलमोल कर बच निकले और जांच भी नियमानुसार नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सन 1997 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि निर्देशों का पालन उस टाइम पर हुआ ही नहीं और यह घटना उत्तराखंड की देवभूमि के लिए एक कलंक के तौर पर उस समय से अभी तक बनी हुई है। और जिस तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, कहीं ना कहीं यह भ्रष्ट अधिकारी उत्तराखंड की बेटियों पर बुरी नज़र जिस तरीके से अपने कुकृत्य करने से बाज नहीं आते हैं और देवभूमि उत्तराखंड को और सरकारी विभाग को जिस तरीके से कलंकित करने का काम इन अधिकारियों के द्वारा किया गया है, उससे यह साफ तौर पर कहा जाता है कि भले ही उत्तराखंड को ऊर्जा विभाग के नए मंत्री मिले हों और तमाम वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हों, लेकिन इतने बड़े विभागों की जो लापरवाही निकलकर सामने आती है वह यह सवाल ज़रूर खड़ा करती है कि जब इतने बड़े विभागों पर अधिकारियों पर पैसे का इतना बोलबाला है तो जो आम विभाग है वहाँ पर क्या हाल होता है। और जिस तरीके से ये दोनों प्रकरण ऊर्जा विभाग के निकलकर सामने आते हैं और एक बड़ी लापरवाही उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग की इसमें दिखती है, अधिकारियों के तौर पर भी रूल्स रेगुलेशन को दरकिनार करते हुए तमाम टेंडर्स को देने का काम किया जाता है, अपने चहेते लोगों तक काम कराने का काम किया जाता है। अब यह देखने वाली बात है कि जिस तरीके से ऊर्जा विभाग की यह बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है इस पर आने वाले समय में क्या कार्यवाही होती है और जिस तरीके से उत्तराखंड के अभी जो नए कई अधिकारी नियुक्त होने हैं उसके बाद उन अधिकारियों के द्वारा इन प्रकरणों पर क्या जाँच की जाती है और क्या वह अधिकारी अपने इस उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग पर लगे इन कलंकों को धोने का काम कर पाते हैं।